हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं पार्ट 3, जिसमें अभी तक हमने दिखाया है कि कैसे हम बाइक के लिए फेयरिंग बनाएंगे। किसी भी बाइक के लिए आप बना सकते हैं। तो पार्ट 3 में आप देख रहे हैं कि अभी तक मैंने जो फ्रंट फ्रेम है ये वेल्डिंग करा लिया है। ये अकॉर्डिंग टू जो फाइबर ग्लास का फेयरिंग मैंने बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग इसको शेप दे के मैंने बनाया है। ये इसको मैंने पेंट कर लिया है ताकि इसमें आगे रस्ट ना लगे और ये ड्यूरेबल रहे। ये आप देख सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैंने शेप दी है इसको और तब इसको बनाया गया है। इसमें जो ये आप पत्तियां देख रहे हैं, इन्हीं में ड्रिल किया गया है जिसपे ये फेयरिंग अटकेगा और जिसपे लाइट्स अटैच होंगी, जो हमारी हेडलाइट होगी। पीछे की साइड पे मैंने मडगार्ड के लिए भी सेम ऐसे ही प्रोविजन दिया है जिसपे मडगार्ड लगाया जाएगा। और इसी मडगार्ड पे मैं कुछ ट्विस्ट देने वाला हूँ, वो आप एंड में देखेंगे। ये है हमारा फेयरिंग, फ्रंट फेयरिंग। आप देख सकते हैं डिटैचेबल है, इसको मैंने आराम से निकाला हुआ है। ये एक फोम आप देख रहे हैं, ये फोम मैं इसलिए लगाने वाला हूँ फेयरिंग पे, ताकि बाइक चलते समय, क्योंकि फेयरिंग एटलीस्ट एक प्लास्टिक पार्ट बन चुका है अब, तो हिलने डुलने से इसमें आवाज़ हो सकती है। इसीलिए मैंने इसमें जो देख रहे हैं आप साइड साइड पे फोम लगा दी गई है, जिससे जो भी हिस्सा बॉडी बाइक बॉडी में अटैच होगा उससे वाइब्रेशन या फिर कोई भी तरह का साउंड नहीं आएगा। ये जो आप दो होल्स देख रहे हैं, ये मैंने हेडलाइट के लिए दिए हैं। इसको एक तरह से रेट्रो लुक मैं देना चाह रहा था, इसीलिए जो लाइट रखी हुई है मैंने वो ग्राउंड शेप में रखी हुई है, और उसी को देखते हुए जैसे आप देख रहे हैं इस फेयरिंग को मैंने एडजस्ट किया है। ये लाइट मैंने अटैच कर दी है और ये फ्रेम भी अकॉर्डिंग टू लाइट ही बनाया गया था, जैसे आप देख सकते हैं। और आपने देखा होगा जो फेयरिंग है वो अंदर से ब्लैक हो गया है, इसको मैंने ब्लैक पेंट किया अंदर से। वीडियो में मैं दिखा नहीं पाया, वीडियो बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने उसको अंदर से ब्लैक कर दिया है, और दो बाहर से उसका कलर कुछ और होगा। ये जस्ट मैंने अभी एक अटैच किया हुआ है फेयरिंग को, जिससे मैं हेडलाइट की शेप ले पाऊंगा और उसको अंदर से कट कर पाऊंगा। ये आप देख सकते हैं हेडलाइट ऐसे अटैच हो रखी है अंदर पे। जब पूरा ये फेयरिंग बन जाएगा, इसके ऊपर से कवर भी लगाया जाएगा यहीं पे जहां पे मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ऑल्दो मैं पॉइंट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे राउंड कट करने वाला हूँ। ये देखिए, मैंने राउंड कट कर लिया है। और ये फिलहाल आप देख सकते हैं कट करके हेडलाइट इस तरह इसमें से दिखाई देगी। सब कुछ सिस्टमैटिक अभी तक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। आपको लग रहा होगा ये होल काफी बड़ा हो गया, बट नहीं, क्योंकि इस पे भी हम और भी ज्यादा फाइबर लगाने वाले हैं, जिससे एक टनल टाइप में बना पाऊं इसमें, और आप समझ जाएंगे अभी आगे देख के। ये देखिए, मैंने फाइबर ग्लास को और इपॉक्सी रेजिन के उस मिला के मैंने ये कुछ कटिंग्स इस तरह लगाई है ताकि मैं एक पाइप टाइप बना सकूं। प्रोसेस लेंदी रहा है, मेरे को टाइम भी काफी लगा है, बट जब आप वीडियो देखेंगे एंड में तो आपको सही में रिलीफ लगेगा कि अच्छा कुछ बना है, मुझे भी अच्छा लगेगा। इन द मीन टाइम, क्योंकि वो सूख रहा था तो मैंने पेंट तो मैंने कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं। ऑल्दो उस पर क्लियर कोट मैं बाद में ही करूंगा, क्योंकि फेयरिंग पे भी पेंट होना, तो उसके बाद सब में मैं क्लियर कोट बाद में ही करूंगा। इसकी जो आपने सीट्स देखी हैं, सीट्स को भी मैं दोबारा बनाऊंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं इस पे जो फाइबर ग्लास मैंने लगाया था वो शेप ले चुका है, और हेडलाइट आप देख सकते हैं अभी सीक लग रही है अंदर से। ये चीज देखिए, अभी ऐसा लग नहीं रहा कि खाली उसमें कट होगा,
और हेडलाइट प्रॉपर फिट आ रही है। और ये देख सकते हैं आप, मैंने इस पे बॉडी फिलर लगा दिया है। मैंने धूप में खड़ी करी हुई है ताकि ये बॉडी फिलर सूख जाए और जल्दी से मैं इसको फिर सैंडिंग करके मैं इसको प्लेन कर पाऊँ और पेंट के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। फ्रेंड्स ये है बिग रिवील, जैसा आप देख सकते हैं इसमें फ्रेशली पेंट हुआ हुआ है अभी और फेयरिंग हमारा बन चुका है। अभी इसमें थोड़ा सा काम और है, आप इसमें KTM के इंडिकेटर्स देख सकते हैं। और तो इसीलिए मैं अभी आपको जला के नहीं दिखा रहा हूँ, चला के भी नहीं दिखा रहा हूँ इसको भी, क्योंकि फ्रेशली पेंट है। सीट्स जैसे मैंने कहा था हैंड स्टिच हैं, सीट्स भी मैंने खुद बनाई हैं। अगर आप चाहते हैं कि सीट्स कैसे बनाई जाएँ तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी इसके बाद भी इसमें काफ़ी कुछ है, तो वायरिंग वगैरह सब हो चुके हैं, इंडिकेटर्स वगैरह सब चल रहे होंगे अभी। अभी इस पे वाइनल लगाना है, स्टिकर्स लगाने हैं। ये जो ओपन एरिया दिखाई दे रहा है फेयरिंग के पास, जिसको मैं अभी दिखाऊंगा मैंने कैसे बंद किया। और ये देखिए, जैसे मैंने कहा था मडगार्ड पे मैं कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाने वाला हूँ, यही है वो चीज़ जिसमें मडगार्ड पे मैंने इंडिकेटर्स अटैच किए हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पॉलीकार्बोनेट शीट को यूज़ करके इस वाले एरिया को बंद कर दिया है। मेन फ्यूचर अगर मैं चाहूँगा तो यहाँ पे स्पीडोमीटर या फिर पेट्रोल गेज या कुछ भी लगा सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही वीडियो और भी देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।